दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के नीचे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस सवाल के दो मतलब होते हैं। पहला तो ये कि पृथ्वी के नीचे यानी हमारे पैरों के नीचे क्या है। आप में से बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर तो जानते ही होंगे, और दूसरे का मतलब ये है कि पृथ्वी के नीचे यानी हमारे पूरे ग्रह के नीचे क्या है। मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, और अगर आप ये सोचते हैं कि पृथ्वी को खोदते खोदते क्या आप पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में निकल जाओगे, तो आज हम आपके इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हालांकि कई लोगों को तो इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए हम इस प्रश्न का उत्तर तराशते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की संरचना और आकार को समझना पड़ेगा। सबसे पहले पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, और यह अपने ध्रुव पर चपटी यानी थोड़ी सी सपाट है, इसलिए पृथ्वी को अंडाकार भी माना जाता है। और अगर बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से मिलकर बनी हुई है, बिल्कुल एक प्याज की तरह जो कई परतों से बनी हुई है। सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र की बात कर लेते हैं, जिसे कोर भी कहते हैं। कोर मेटल से बना होता है, जहां का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, और यह पृथ्वी का सबसे गहरा पार्ट है। कोर के ऊपर मेटल की लेयर होती है, इसके ऊपर क्रस्ट की लेयर। अब अगर आप ये समझते हैं कि पृथ्वी पर स्थित ये जमीन, समुद्र, पहाड़, ये सब एक सपाट जगह पर स्थित है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हैं। ये जितने भी पहाड़, समुद्र और जमीन है, ये सब गोल पृथ्वी के पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ पर स्थित है, और हम भी। दोस्तों, ये सब चीजें ग्रेविटी के कारण केंद्र की तरफ आकर्षित हो रही है। अब अगर पृथ्वी की जमीन को खोदना शुरू करेंगे तो आप पृथ्वी के विभिन्न परतों से होते हुए कोर की तरफ पहुंच जाएंगे, जहां का तापमान सूर्य के स्थल जितना गर्म रहता है, और ये बात केवल कल्पना में ही संभव लगती है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पर जानकारी के लिए हम अपनी इस कल्पना को चरम सीमा तक लेके चलते हैं। कोर तक पहुंचने के बाद हम पृथ्वी की दूसरी तरफ यानी बाहर की ओर गड्ढा करते जाएंगे, तो हम पृथ्वी की एक और वक्र पृष्ठ पॉइंट से दूसरी ओर वक्र पृष्ठ पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अगर हम भारत के किसी स्थान पर स्टेट टनल खोद दे, तो वो साउथ अमेरिका के किसी पॉइंट पर जाकर खुलेगी। दोस्तों, अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक बॉल या एक फुटबॉल ले और उस पर किसी कंट्री का एक पॉइंट बना ले, और वहीं उस पॉइंट से एक स्ट्रेट टनल होल बनाए, और ये होल पूरी तरह उस बॉल या फुटबॉल के आर पार निकाल दे, तब आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको बता दे कि हम ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये सब बातों को समझने के लिए हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक इंसानों ने पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा 12 किलोमीटर का खोदा है, जो कि रूस में है, और उसे कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे गहरे गड्ढों के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसके एक पहलू का उत्तर तो जान लिया है, अब बात करते हैं इस प्रश्न के दूसरे पहलू की, कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है। मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है, या पृथ्वी के नीचे क्या है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी के नीचे लगभग पूरा वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सोलर सिस्टम में है, और ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है, और इसी के कुछ अल्टीमेट जैसे धूल के कण, बहुत दूर के स्टार जैसी संरचनाएं हमारी पृथ्वी के नीचे हो सकती है, और वो भी बहुत दूर, पृथ्वी के नीचे से बहुत दूर, पृथ्वी के एंड पॉइंट से बहुत दूर। तो आप इस प्रश्न को लेकर कभी भी दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा कि हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है। मैंने आपको इन दोनों पहलू के उत्तर दे दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।